दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखों की बहादुरी की उस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम इतिहास में सुनहरी अक्षरों में दर्ज है। इस लड़ाई को इतिहास में बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 21 जी हां सिर्फ 21 सिख सिपाहियों ने 10,000 अफगानी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था। सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित अक्षय कुमार की फिल्म केसरी बनी है, जिसमें इस लड़ाई और उस समय के हालात को दिखाया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी के स्थान पर लड़ी गई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। भारत पर उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार कर चुकी थी। सारागढ़ी के किले में बनी इस पोस्ट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी की 36वीं बटालियन के सिर्फ 21 सिख सैनिक तैनात थे। इस लड़ाई का वर्णन भले ही किताबों में नहीं है, लेकिन यह लड़ाई वैसी ही थी जैसी कि 300 मूवी में दिखाया गया है। इस लड़ाई में सिर्फ 21 सिख सैनिक 10,000 अफगानी सैनिकों से लड़ते रहे थे। इस युद्ध में सिखों की तरफ से लड़ाई का नेतृत्व करने वाले ईश्वर सिंह थे। इस लड़ाई में लड़ने वाले सिख सैनिकों को ब्रिटिश सरकार की तरफ से बहादुरी का सर्वोत्तम पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था, जो कि आज के परमवीर चक्र के बराबर है। इस लड़ाई को इतिहास की महान और वीरता से भरी लड़ाइयों में गिना जाता है, क्योंकि इस लड़ाई में सिख सैनिकों ने अफगानों के सामने घुटने नहीं टेके थे। इस लड़ाई की तुलना स्पार्टा के लियोनाइडस के 300 सैनिकों की लड़ाई से भी की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी हार मानकर अपना स्वाभिमान खोने की बजाय लड़कर मरना बेहतर समझा था। उस समय भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार कर चुकी थी और अब वो अफगानिस्तान पर भी अपना अधिकार करना चाहते थे। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनाए गए दो किलों, गुलिस्तान का किला और लोकहट का किला पर ब्रिटिश अपना अधिकार कर चुके थे। वहीं ओराकजई जनजाति के अफगान इन किलों पर वापस अपना अधिकार करना चाहते थे और इन किलों के पास ही थी सारागढ़ी की वो खूनी चौकी। इस चौकी की जिम्मेवारी 36वीं सिख रेजिमेंट के पास थी। संचार की दृष्टि से भी ये चौकी बहुत महत्व रखती थी। इस लड़ाई की शुरुआत होती है 12 सितंबर 1897 की सुबह, जब 10,000 अफगानी सैनिक किले को चारों ओर से घेर लेते हैं। किले को चारों ओर से घिरा देख सिख सैनिक तार के माध्यम से ब्रिटिश सेना के अफसर से और सेना भेजने की बात कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर का जवाब आता है कि इतनी जल्दी और सेना नहीं भेजी जा सकती। इसके बाद सेना के सेनानायक ईश्वर सिंह फैसला लेते हैं कि वो इतनी आसानी से अफगानी सैनिकों को किले पर कब्जा नहीं करने देंगे और मरते दम तक लड़ते रहेंगे। ईश्वर सिंह के साथियों ने भी उनका पूरा साथ दिया और उनके साथ लड़ने को तैयार हो गए। 10,000 के सामने सिर्फ 21 सैनिकों को लड़ने के लिए बहुत हौसले की जरूरत होती है। वो 21 सिख सैनिक बड़ी आसानी से किले को छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश की रक्षा में जान देना बेहतर समझा। सिख सैनिक किले से अफगानों पर गोलियां बरसा रहे थे और उधर अफगानी सिख सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सिख सैनिक हार मानने को तैयार नहीं थे। किले की दीवारें और दरवाजे बहुत मजबूत थे, जिसकी वजह से अफगानी आसानी से किले में दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन लड़ाई में अचानक किले की एक दीवार गिर जाती है, तब तक सिख सैनिकों की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद की जंग तलवारों और चाकुओं से लड़ी जाती है। सिख सैनिक इस लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, लेकिन शहीद होने से पहले भी वो 600 के करीब अफगानियों को मार देते हैं। इस तरह से सिर्फ 21 सिख सैनिक अफगानियों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। सिखों की तरफ से लड़ने वाले उन 21 सैनिकों में भी सभी सैनिक नहीं थे, उनमें से कुछ रसोइये और कुछ सिग्नल मैन थे, फिर भी उन्होंने अफगानियों को धूल चटा दी। 13 सितंबर की रात को ब्रिटिश सैनिक किले तक पहुंच जाते हैं और किले को वापस अपने कब्जे में ले लेते हैं।
सिख सैनिकों के इस अद्भुत साहस को देखकर ब्रिटिश सेना की तरफ से सिख सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, आज भी ब्रिटेन में उस दिन को सारागरी डे के रूप में मनाया जाता है और भारत में सिख रेजिमेंट इसे रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे के रूप में मनाती है। दोस्तों, अगर आप भी उन सिखों की वीरता से प्रभावित हुए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और हर जगह शेयर जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।